नमस्कार। योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में थे, लेकिन राम की नगरी में उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे आप भड़काऊ कह सकें। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र से लेकर लखनऊ तक मौलाना और मुफ्ती ब्रिगेड का माइक आज भी नॉनस्टॉप ऑन रहा। लड़ाने वाले, भड़काने वाले डायलॉग्स आज भी मारे गए। मगर सबसे दिलचस्प ये था कि मौलानाओं के मोदी विरोधी बयानों में आज प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री हो गई। मौलाना मंडली खुलकर राहुल और प्रियंका के लिए बैटिंग करते दिखे, बिना रुके, बिना थके मोदी और योगी को कोसते रहे। कैमरा ऑन हुआ तो 2024 में मोदी को लेकर क्या क्या कहा गया, 2022 में योगी के खिलाफ कैसे माहौल बनाया जा रहा है, यूपी में चुनावी मंच सजा तब मुसलमानों के सामने क्या परोसा गया। आप ये रिपोर्ट बहुत गौर से देखिए, मोदी रोको योगी रोको का पूरा प्लान आप समझ जाएंगे। अगर 2024 में मोदी को रोकना है तो 2022 में योगी को हराना होगा। जी हां, सुना आपने, कुछ समझ में आया आपको? चलिए एक बार फिर से सुनिए, कान खोलकर बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर 2024 में मोदी को रोकना है तो 2022 में योगी को हराना होगा। जी हां, महाराष्ट्र में लैपटॉप खुलता है, कैमरा ऑन होता है, मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी यूपी में वायरल हो जाते हैं। 2024 में मोदी को रोकने और 2022 में योगी को हराने वाला वीडियो यूपी के मुस्लिम मोहल्लों में गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ सबके मोबाइल पर पहुंचाया जाता है और वीडियो में मसाला भर भर के ये कहा जाता है, अगर 2024 में मोदी को रोकना है तो आखिर क्यों भाई मोदी को रोकना है, मोदी ऐसे क्या तबाही लाने वाले हैं, मोदी जी ने क्या तबाही लाई है और कैसे मुल्क का सत्यानाश हुआ। 24 और 22 के लिए मुफ्ती साहब ने आगे क्या कहा है, थोड़ी देर में आपको सब सुनाएंगे, सब बताएंगे। पहले कुछ और सैंपल्स देखिए। यूपी में चुनावी सीजन है, जगह जगह मंच सजे हैं, हर लोकेशन पर हर मंच से खुलकर मोदी योगी हो रहा है। हिंदुस्तान खतरे में है के डायलॉग सुनाई दे रहे हैं, चौकीदार को यूपी से खदेड़ने के सपने देखे जा रहे हैं। चौकीदार जी ऐलान करते हैं कि मैं देश का चौकीदार हूं, चौकीदार के रहते हुए देश में डकैती पड़ रही है, अब उत्तर प्रदेश की जनता चौकीदार को खदेड़ने के लिए तैयार है। बात सिर्फ योगी मोदी पर नहीं रुक जाती, सोनिया गांधी से लेकर अखिलेश यादव और मायावती तक सबको खुल्लम खुल्ला चैलेंज मिल रहा है। जबरदस्त माहौल बन रहा है, सब कुछ नॉन स्टॉप हो रहा है, रात के अंधेरे में हो रहा है, दिन के उजाले में हो रहा है। इस देश में 74 सालों से मुसलमानों को नाम निहाद सेकुलर पार्टियों ने धोखा दिया। उत्तर प्रदेश में हमारी तादाद 20% है, अगर हम 50% मुत्तहिद होंगे तो हमारी ताकत बहुजन समाज पार्टी के बराबर होगी। अगर आप जिस दिन 20% मुत्तहिद हो जाएंगे, ये राजभर नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन जी सोनिया गांधी, ये लोग घुटने के बल चल करके दारुसलाम जाएंगे। जब आपने अब तक 14 में सपोर्ट किया, फिर 17 में सपोर्ट किया, फिर 19 में सपोर्ट किया और अखिलेश साहब को नहीं जीता पाए, तो क्या गारंटी है कि आप यहाँ पर भी सपोर्ट करके, इस बार भी सपोर्ट करके अखिलेश को जितवा देंगे? अभी तो आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है, यूपी चुनाव के लिए जगह जगह चल रही पूरी फिल्म देखेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि अब तो चुनावी मंचों से धर्म परिवर्तन वाला आइडिया भी दिया जाने लगा है। तेजी से एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, यूपी में मुस्लिम सीएम और ओवैसी को देश का पीएम बनाने के लिए हिम्मत वाले डायलॉग फिट किए जा रहे हैं। सबसे पहले हमें मुसलमान बनना है, हम देवबंदी हो, बरेलवी हो, शिया हो, सुन्नी हो, किसी भी तकरीर से हो, किसी भी जमात से हो, सबसे पहले हमें मुसलमान बनना होगा। बनोगे आप लोग मुसलमान? है हिम्मत आप लोगों के अंदर मुसलमान बनने की? हम 2% सिख हैं, सिर्फ 2% देश के अंदर, 2% हैं हम लोग। हमने अपना प्रधानमंत्री बनाया मनमोहन सिंह, 10 साल तक राज किया उसने देश के अंदर, सीएम बनाया हमने पंजाब के अंदर अपना। आप लोग सीएम बना सकते हो शौकत अली को यूपी के अंदर? है हिम्मत आप लोगों के अंदर?
प्रधानमंत्री बना सकते हो बैरिस्टर सुधीर मवेशी को? है हिम्मत आपके अंदर? हम 2% के अंदर इतनी हिम्मत है, हम एक पगड़ी के ऊपर इतनी हिम्मत रखते हैं, आपके ऊपर भी टोपी है सर के ऊपर। ये यूपी चुनाव का डेडली कॉकटेल है, इसमें पॉलिटिक्स भी है, मोदी योगी के खिलाफ नफरत भी है, ओवैसी फैक्टर भी है, और हाँ मौलाना भी है, वो भी एक दो या तीन नहीं दर्जनों। हर रोज कोई ना कोई नया वीडियो वायरल हो रहा है, खुलकर मुस्लिम मुस्लिम बोला जा रहा है। इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो किसी से मख्फी और पोशीदा नहीं है। हर जगह मुसलमानों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि मुसलमानों के ऊपर ये जुल्म सिर्फ आपके हिंदुस्तान ही पर नहीं, आपके हिंदुस्तान ही पर नहीं बल्कि बैनल अक्वामी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखेंगे तो दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमान अमन सुकून और राहत की दो सांसें लेता हुआ नजर नहीं आएगा। सबसे पहले आपको 2024 में मोदी को रोकने के लिए 2022 में योगी को हराने वाली स्क्रिप्ट के राइटर मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी से मिलाते हैं। ये जनाब महाराष्ट्र में बैठकर हर रोज एक नया वीडियो बनाते हैं। इनके 10 मिनट के हर वीडियो में 10 सेकंड कुछ और बातें होती हैं और 50 सेकंड मोदी योगी होता है, एक या दो बार नहीं बार बार होता है। 2024 में अगर पूरे मुल्क को बचाना है, मोदी को रोकना है, तो अभी फिलहाल 2022 में योगी को हराना होगा। मुल्क को बचाना है तो 2024 में मोदी का रास्ता रोकना होगा। अब कुछ लोग बेचारे अंधभक्त गोबर भक्त मोदी का रास्ता रोकना बोले तो उनके नीचे से लेकर ऊपर तक के मिर्ची लग जाती है। देखो मोदी एंटी, और ये देखो, तो क्या मोदी एंटी होना देश एंटी होना है? मोदी और योगी को कोसने वाले मुफ्ती साहब के डायसॉन्ग सबके व्हाट्सएप पर पहुंचता है, सोशल मीडिया पर फैलता है। ऐसे में किसी के भी जहन में ये सवाल आएगा कि ये इतना मोदी योगी क्यों करते हैं। इसका जवाब आज इन्होंने खुद दे दिया है, अपनी जुबान से कबूल कर लिया। ये राहुल और प्रियंका की टीम से एंटी मोदी बैटिंग करते हैं और खुल कर कहते हैं कि अभी महाराष्ट्र में है, बहुत जल्द यूपी में आएंगे, प्रियंका के बुलाने पर योगी विरोधी माहौल भी बनाएंगे। यूपी में इलेक्शन में आऊंगा और अगर प्रियंका गांधी जी और हमारी सुप्रीमो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और हमारे महाराष्ट्र की अगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अगर बकायदा मुझे वहां भेजती है तो मैं यूपी में रहकर भी बकायदा नफरतों की राजनीति के खिलाफ काम करूंगा। योगी को हराने के लिए उत्तर प्रदेश में, योगी को हराने के लिए महाराष्ट्र में भी हम तमाम सेकुलर लोगों को, सेकुलर पार्टियों को और वहां पर भी तमाम छोटी छोटी सेकुलर पार्टियों को इकट्ठा करेंगे ताकि नफरतों की राजनीति, घटिया किस्म की राजनीति खत्म हो। तो मैं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र से हम यहां पर बैठकर उत्तर प्रदेश की फिक्र कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश कोई हमारे भारत से बाहर कर नहीं है, उत्तर प्रदेश को बचाना है यानी हमारे प्यारे मुल्क को बचाना है। जी हां, क्योंकि एक उत्तर प्रदेश की अहमियत आप और हम सब जानते हैं। तो महाराष्ट्र में बैठकर, जलगांव में बैठकर, मुंबई में बैठकर, नासिक में बैठकर, मालेगांव में बैठकर हम यहां से यूपी की फिक्र करेंगे, लेकिन जैसी यूपी की बात करें तो ऐसी मिर्चियां लगती है। प्रधानमंत्री जहां जाते हैं मुफ्ती साहब वहां नजर रखते हैं, मोदी संविधान की बात कहते हैं, देश को जोड़ने का मंत्र देते हैं और ये जनाब मोदी विरोधियों की तरह हिटलर शाही और ताना शाही वाली लाइन लेंथ पकड़ लेते हैं। ये 2014 से पहले की बात नहीं करते। हाँ, 2014 के बाद की मनगढ़ंत कहानी जरूर सुनाते हैं। 26 नवंबर को, यानी आज 26 नवंबर है, 26 नवंबर को यौम आईन संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है और मैं समझता हूं कि अब तो संविधान दिवस को बहुत धूम से मनाया जाना चाहिए और उसी संविधान दिवस मनाने के जरिए से बकायदा भारत की जनता को बताया जाना चाहिए कि कुछ लोग इस प्यारे प्यारे संविधान को खत्म करने की मेहनतें कर रहे हैं, कुछ लोग संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ लोग संविधान की कापियां जला रहे हैं,
कुछ लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन संविधान को अगर खत्म किया जाए तो फिर मुल्क में हिटलर शाही चलेगी, तानाशाही चलेगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। हालांकि अभी फिलहाल ऐसा ही चल रहा है। कैसे जीडीपी गिरी, कैसे नफरतों का माहौल बना, कैसे बेरोजगारी बढ़ी, कैसे रोजगार खत्म हुआ, इन तमाम चीजों को और फिर नफरतों की जो घटिया राजनीति हुई है इन 7 सालों में, वो इतनी घटिया राजनीति हुई है। और फिर जनाब रेप, मर्डर और बिल्कुल कत्ल, लॉ एंड ऑर्डर की बदतर सूरत हाल हो गई है। और बिल्कुल धड़ल्ले से वो लोग जो बाकायदा मुल्क में ये सब सारी चीजें कर रहे हैं, वो पूरे के पूरे आजाद भी घूम रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रियंका के लिए सिर्फ मौलाना बैटिंग कर रहे हैं, 22 और 24 के लिए महाराष्ट्र से लखनऊ तक सिर्फ मोदी विरोधी मौलानाओं ने आपस में सेटिंग की है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यूपी में जो मंच सज रहे हैं, जहां जहां मुसलमान मुसलमान हो रहा है, आवाज वहां से भी उठ रही है। 22 के लिए यूपी में एमएलए चुनने से लेकर 24 के लिए दिल्ली में एमपी चुनने तक सबकी एडवांस तैयारी हो रही है, सब कैमरे पर है। एमपी के इलेक्शन तक इस तैयारी में जाएंगे, जब एमपी के इलेक्शन में तैयारी में जाएंगे तो हम लोग पीएम भी अपना बना कर लाएंगे। अगर इस देश का मुसलमान पीएम बन जाए तो आप लोगों को कोई दिक्कत है क्या? तो आज से ही मुहिम चला दीजिए। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, कोई तकरीर नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को जिंदा करना चाहता हूँ। जितनी तादाद 20% की अगर सिखों की होती ना, तो हम बहुत कुछ कर देते। मोदी जी, योगी जी, कान खोल के सुन लीजिए, ये वक्त आ गया। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव अभी 22 में करने वाली है और 24 के लिए भी तैयार हो रही है। आपको यहाँ से बिल्कुल खदेड़ना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, इसके लिए आप लोग तैयारी कर लीजिए। हर तकरीर का, हर नेता का, हर पार्टी का अलग अलग रैलियों में, अलग अलग सभाओं में सिंगल पॉइंट एजेंडा ही यही है कि किसी तरह से उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ जहर उगलो और उस जहर की बदौलत अपनी जेब में वोट भरो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसे मंचों पर नाम तो समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस और बसपा तक सबका लिया जाता है, लेकिन टारगेट योगी को किया जाता है, मोदी को ही निशाना बनाया जाता है। जो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके, जो जो सरकार निकम्मी है, शिक्षा रोजगार दे न सके, जो साथियों वो निकम्मी सरकार को अभी उत्तर प्रदेश में रहने का कोई हक नहीं है। ऐसी निकम्मी सरकारों को आपको भगाने का समय आ गया। वही नाम निहाल सेकुलर पार्टियां हैं जो आज दोबारा हमारे दरमियान में आकर के हमसे कहती है बीजेपी को हराना है तो समाजवादी को वोट डालना, बीजेपी को हराना है तो बहुजन समाज को वोट डालना, बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को वोट डालना है। अरे बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी यकीनन हम हराएंगे, लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की नहीं है, यह जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के यादव की भी है, यह जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के दलितों की भी है, यह जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के बैकवर्ड क्लास की भी है। जब इलेक्शन आता है हमारी जिंदगी दांव पर लग जाती है। बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को रोकना है। अरे मेरे भाई, अरे बीजेपी क्या है? अरे बीजेपी से हम ना डरेंगे। और एक बात सुनिए, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मुकाबला करना है। कुत्ता दौड़ाता है, भागते हो तो पैर में काट लेता है, पत्थर उठा करके कुत्ते को मारोगे तो कुत्ता भाग जाएगा। समझ गए ना आप? समझ गए ना? जिससे डराया जा रहा है उससे डरना नहीं है। हम पे जुल्म किया गया, हम पे जुल्म रवा के पहाड़ तोड़े गए, तरह तरह से तशद्दुद किया गया, आखिर में यह तक कह दिया गया तुम्हें मुल्क से निकाल देंगे, एनआरसी और सीए लेके आएंगे। सियासत यह है कि सपाई है, बसपाई है, कांग्रेसी है और भाजपाई है, बस यही सियासत है। किसी के चक्कर में ना रहे, कोई सपाई हो या भाजपाई हो या कांग्रेसी हो या बसपाई हो, हम मजलिसी लोग हैं। पलट के देखो तो पलटो, इधर किसी उचक्के और चोर की तरफ क्यों पलट रहे हैं? किसने कहा पलटने के लिए? तो गंगा को बांटे, वो जमुना को बांटे, उससे बड़ा देशद्रोही, उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं। तो बोलता तो
यूपी इलेक्शन में इस वक्त सबसे ज्यादा अग्रेसिव पिच पर AIMIM के ओवैसी बैटिंग कर रहे हैं। वो हर सभा में खुलकर कह रहे हैं कि अगर यूपी में मुस्लिम लीडर को सीएम बनाना है तो योगी को रोकना होगा, और फिर जब उन्हीं चुनावी सभाओं में दूसरे मुस्लिम लीडर्स आते हैं तो ओवैसी की लाइन लेंथ पर ही एक के बाद एक बाउंसर मारते हैं। आज इलेक्शन करीब है, समाजवादी बहुजन समाज कांग्रेस पार्टी के मुसलमान चपरासी घूम घूम करके कहते हैं कि MIM पार्टी तो बीजेपी की भी टीम है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं, घूम घूम करके हम बीजेपी की भी टीम है। वोट कटुआ इसके बाद कोई बात ही नहीं। हम वोट कटुआ, अपना हक मांगे तो वोट कटुआ, अपनी बात करे तो वोट कटुआ, दाढ़ी को खींचा जाए तो कोई बात नहीं, बुरके को फाड़ा जाए तो कोई बात नहीं है, और हम अपने हक की बात करें तो हम वोट कटुआ। और बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी, वोट कटुआ कैसे? वोट कटुआ असदुद्दीन ओवैसी हैं कि तनख्वाह तो भाजपा से लेते हैं और काम तुम्हारा करते हैं, क्या जरूरत है उनको तुम्हारे बीच में आने की? एक लाइन में कहें तो यूपी में मुस्लिम वोट बांटने का प्लान फुल स्पीड में एक्टिव है, और इसीलिए ऐसे मौलानाओं के वीडियो भी मोबाइल पर फॉरवर्ड कराए जा रहे हैं जो सीधे सीधे उकसाने वाले होते हैं, मरने मारने वाले होते हैं। पहले मैंने बताया कि मुसलमान हर जगह मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, इसका मतलब मुसलमान अमन और सुकून से नहीं है। लेकिन अल्लाह कुरानी आयत के अंदर कह रहा है कि मुसलमानों घबराने की जरूरत नहीं है, घबराओ नहीं, गम ना करो, वह अंतुमुल आलौना, सरबलंदी तुम्ही को मिलेगी, हुकूमत तुम्हीं को मिलेगी। आज हुकूमत हमारे हाथों में नहीं है, आज हम सताए जा रहे हैं, आज हम मारे जा रहे हैं, इसका मतलब कि हम मोमिन नहीं हैं। सोचिए, प्रियंका के लिए महाराष्ट्र के मुफ्ती साहब स्टूडियो में बैठकर माहौल बनाते हैं, 24 में मोदी को हराने के लिए 22 में योगी को हराने की कसम खाते हैं और खोल कर कहते हैं 2024 में अगर पूरे मुल्क को बचाना है, मोदी को रोकना है, तो अभी फिलहाल 2022 में योगी को हराना होगा। मुल्क को बचाना है तो 2024 में मोदी का रास्ता रोकना होगा। अब कुछ लोग बेचारे अंधभक्त गोबर भक्त मोदी का रास्ता रोकना बोले तो उनके नीचे से लेकर ऊपर तक के मिर्ची लग जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दो बार बात की, एक बार संसद के सेंट्रल हॉल में बोले और दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और सीनियर वकीलों के बीच बोले। नरेंद्र मोदी ने आज एक फर्क समझाया कि जब किसी राजा का बेटा प्रधानमंत्री बनता है तो क्या होता है, और जब एक गरीब मां का बेटा प्रधानमंत्री बनता है तब क्या होता है। आज संविधान दिवस है, इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ कहा उससे विपक्ष को बहुत तेज मिर्ची लगी, एंटी मोदी कैंप में रिएक्शन बहुत शार्प है। इससे यह भी पता चलता है कि नरेंद्र मोदी का तीर बिल्कुल सही निशाने पर बैठा। प्रधानमंत्री ने एक ही तीर से सारे दुश्मनों का शिकार कैसे किया, देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। उत्सव संविधान का था, लेकिन एक परिवार का फरमान आया और कांग्रेस संसद से गायब हो गई। 10 जनपद से कहा गया कि आज संसद नहीं जाना, तो कांग्रेस का कोई नेता पार्लियामेंट नहीं आया। राहुल गांधी ट्विटर पर संविधान संविधान खेलते हैं, लेकिन जहां संविधान की बात होती है वहां से गायब हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी संविधान दिवस के मौके पर भी सियासी दुश्मनी वाली बातें करती है। क्या ये मोदी सरकार वर्सेज एक परिवार की कहानी है, या मोदी के विरोध में सारे परिवारवादी एक साथ खड़े हैं? हिंदुस्तान के हर कोने में जाइए, भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली,
अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा? पारिवारिक पार्टियों पर हमले के लिए नरेंद्र मोदी ने संसद के सेंट्रल हॉल को ही क्यों चुना? मोदी वर्सेस परिवार की इस लड़ाई को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि आज कौन कौन पार्लियामेंट पहुंचा और कौन कौन नहीं पहुंचा। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, संसद में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस का आयोजन होता है। ये प्रधानमंत्री का प्रोग्राम नहीं होता, ये सरकार का आयोजन नहीं होता, इसे लोकसभा के स्पीकर बुलाते हैं। स्पीकर के न्योते पर प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी कैबिनेट के सारे मिनिस्टर आए। 400 से ज्यादा सांसद पहुंचे, लेकिन विपक्ष की 14 पार्टियों का एक भी नेता नहीं आया। सोनिया गांधी संसद नहीं आए, राहुल गांधी संसद नहीं आए, मुलायम सिंह यादव के साथ पूरे समाजवादी कुनबे ने संसद का बॉयकॉट किया। मायावती भी आज मुलायम की साइड में खड़ी हो गई। लालू यादव के एमपी भी संविधान दिवस के प्रोग्राम में नहीं पहुंचे। एनसीपी वाले शरद पवार भी संसद नहीं आए, ना उनकी बेटी सुप्रिया सुले संसद आए। ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को नहीं भेजा। डीएमके के स्टालिन ने अपने सांसदों को नहीं भेजा। ठाकरे ने शिवसेना के सांसदों को आज संसद जाने से रोक दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले फारूक अब्दुल्ला भी संसद नहीं आए। संसद के सेंट्रल हॉल के मंच पर 7 वीवीआईपी दिख रहे हैं। सुबह यहाँ 9 कुर्सियां लगाई गई थी। 2 कुर्सियां कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी के लिए थी। दोनों नेताओं को 2 दिन पहले इनविटेशन भी भेज दिया गया था, लेकिन कांग्रेस हाईकमान का ऑर्डर आया तो ना खड़गे आए और ना अधीर रंजन चौधरी पार्लियामेंट पहुंचे। ये कार्यक्रम किसी सरकार का नहीं था, ये कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल का नहीं था, ये कार्यक्रम किसी प्रधानमंत्री ने आयोजित नहीं किया गया था। ये सदन का गौरव होते हैं स्पीकर, सदन का ये स्थान गौरवपूर्ण होता है। स्पीकर की एक गरिमा होती है, बाबा साहब आम्बेडकर की गरिमा होती है, संविधान की अपनी एक गरिमा होती है। हम सब उन महान पुरुषों को प्रार्थना करें कि वो हमें शिक्षा दें ताकि हम हमेशा स्पीकर पद की गरिमा बनाए रखे, बाबा साहब आम्बेडकर का गौरव बनाए रखे और संविधान का गौरव बनाए रखे। नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते अचानक ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष की ये सारी पार्टियां संविधान दिवस का विरोध करने लगी? कांग्रेस कहती है कि उसे न्योता तो मिला था, लेकिन जश्न में शामिल होने का मौका नहीं दिया गया। संविधान को जब हम सेलिब्रेट करें, उसका जश्न मनाएं, उसमें शामिल ना किया जाना केवल एक औपचारिक निमंत्रण, वो भी बैठने का समारोह के अंदर, वो स्वीकार्य नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात पर संविधान दिवस का बॉयकॉट करना समझ से परे है। पूरी बात क्या है ये खुद नरेंद्र मोदी से सुनिए। कश्मीर से कन्याकुमारी हरी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। संविधान हमें जो कहता है उसके विपरीत है। और जब मैं ये कहता हूं कि पारिवारिक पार्टियां, इसका मतलब मैं ये नहीं करता हूं कि एक परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में ना आए, जी नहीं। योग्यता के आधार पर जनता के आशीर्वाद से किसी परिवार से एक से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। लेकिन जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। और आज संविधान के दिवस पर संविधान में विश्वास करने वाले, संविधान को समझने वाले, संविधान को समर्पित सभी देशवासियों से मैं आग्रह करूंगा कि देश में एक जागरूकता लाने की आवश्यकता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर बंगाल तक नरेंद्र मोदी के सियासी दुश्मनों की फेहरिस्त बनाए तो सारे परिवारवादी दुश्मनों के खेमे में ही दिखेंगे। नरेंद्र मोदी से कौन कहां लड़ता है, चलिए शुरुआत उत्तर प्रदेश से करते हैं। उत्तर प्रदेश में छोटे दलों से गठबंधन बनाकर मोदी से लड़ने निकले अखिलेश यादव की पूरी राजनीतिक पूंजी उनके परिवार से मिलती है। अखिलेश अगर मुलायम सिंह यादव के बेटे ना होते तो समाजवादी पार्टी का एक टिकट हासिल करना भी मुश्किल होता। अकेले अखिलेश की बात नहीं है, समाजवादी पार्टी के लगभग सभी बड़े पदों पर मुलायम सिंह यादव के परिवार का ही कब्जा है।
मुलायम सिंह यादव संरक्षक, अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष, राम गोपाल यादव महासचिव, अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव दो बार सांसद रह चुकी हैं, अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव भी दो बार सांसद रह चुके हैं, अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप यादव मैनपुरी लोकसभा सीट से सांसद रहे, एक और भतीजे अक्षय यादव फिरोजाबाद से संसद पहुंच चुके हैं। संविधान दिवस के मौके पर अखिलेश यादव ने लखनऊ के कांशीराम सेंटर पर सियासी जलसा किया, लेकिन अपने सांसदों को संसद के आयोजन में जाने से रोक दिया। संविधान को सबसे बड़ा खतरा है, लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा पैदा किया, इसलिए संविधान और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग, समाजवादी विचारधारा पे चलने वाले लोग सब एक हो जाएं और इस सरकार को हटाएं। वेस्टर्न यूपी में अखिलेश ने जिन जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया है वो भी परिवार की वजह से आरएलडी के चौधरी बने हैं। चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ अखिलेश की पूरी लड़ाई ही परिवार की विरासत पर कब्जे की लड़ाई है। यूपी के बगल में बिहार को देखें तो आरजेडी के अध्यक्ष अब भी लालू प्रसाद ही हैं। चारा घोटाले में सजा पाने और वर्षों तक जेल में रहने के बावजूद लालू ने पद नहीं छोड़ा। आरजेडी अब भी उनका परिवार ही चलाता है, जिसमें तेजस्वी यादव बड़े डिसीजन मेकर हैं। लालू प्रसाद यादव आरजेडी अध्यक्ष, राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव पूर्व डिप्टी सीएम, तेज प्रताप यादव पूर्व मंत्री। क्या हमारा संविधान भ्रष्टाचार को अनुमति देता है? कानून है, नियम है, सब है, लेकिन चिंता तब होती है कि जब न्यायपालिका ने स्वयं ने किसी को अगर भ्रष्टाचार के लिए घोषित कर दिया हो, भ्रष्टाचार के लिए सजा हो चुकी हो, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के कारण उसका भी महिमा मंडन चलता रहे, भ्रष्टाचार को नजरअंदाज करके सिद्ध हुई हकीकतों के बावजूद भी जब राजनीतिक लाभ के लिए सारी मर्यादाओं को तोड़कर, लोक लाज को तोड़ करके उनके साथ बैठना उठना शुरू हो जाता है, तो देश के नौजवान के मन में लगता है कि अगर इस प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, मतलब उनको भी वो मिलता रास्ता मिल जाता है कि भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलना बुरा नहीं है, दो चार साल के बाद लोग स्वीकार कर लेते हैं। कांग्रेस आज भी नरेंद्र मोदी पर संविधान की आड़ लेकर हमले करती है, लेकिन चुनाव में गठबंधन लालू यादव की पार्टी के साथ करती है। लालू एंड फैमिली के भ्रष्टाचार और बिहार के जंगल राज के बारे में नीतीश कुमार से बेहतर भला और कौन जान सकता है। नीतीश कुमार लालू के सहयोगी भी रहे और विरोधी भी। एक वक्त ऐसा आया जब नीतीश ने लालू के बेटों के साथ सरकार चलाई, फिर जब सच से सामना हुआ तो नीतीश ने हमेशा के लिए तौबा कर ली। तो ये बिल्कुल सही है और हम लोग तो शुरू से ही मान करके चलते हैं। ये पारिवारिक पार्टियां वगैरह कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं। आजकल तो देख रहे हैं कि लोग खुद को, अपने परिवार को, बाल बच्चे को, किसी को भी जो जगह पहुंचाते हैं तो उसका कोई मतलब है कि राजनीति से इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल कई दल इसी पर चले गए। तो आप समझ लीजिए कि अभी कुछ दिन के लिए भले ही वो रह जाएं, लेकिन कुछ समय के बाद उनका सर्वाइवल संभव नहीं होगा, ये आप अच्छी तरह जानिए। बिहार से पूरब चलें तो बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी में उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी नंबर दो का दबदबा हासिल कर चुके हैं। पश्चिम में महाराष्ट्र चलें, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की महाविकास अगाड़ी असल में दो परिवारों का गठबंधन है, जिसे तीसरी परिवारवादी पार्टी यानी कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। उद्धव ठाकरे को अपने पिता बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत मिली और अब वो अपने बेटे आदित्य ठाकरे को तैयार कर रहे हैं। शरद पवार ने पहले भतीजे अजित पवार को उत्तराधिकारी बनाना शुरू किया था, लेकिन अब वो बेटी सुप्रिया सुले को धीरे धीरे पार्टी लीडरशिप सौंप रहे हैं। शिवसेना और एनसीपी में परिवार से बाहर के जो भी नेता हैं, उनकी पोजीशन कभी ऐसी नहीं रही कि वो पार्टी नेतृत्व संभाल सके। इस कॉलोनियल माइंडसेट की वजह से भारत जैसे देश में, विकास के लिए प्रयास कर रहे देश में, करोड़ों आशाएं टूटती हैं, आकांक्षाएं दम तोड़ती है। आजादी के आंदोलन में जो संकल्प शक्ति पैदा हुई उसे और अधिक मजबूत करने में
ये कॉलोनियल माइंडसेट बहुत बड़ी बाधा है, हमें इसे दूर करना ही होगा। और इसके लिए हमारी सबसे बड़ी शक्ति, हमारा सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत हमारा संविधान ही है। तमिलनाडु में सरकार चला रहे स्टालिन की सत्ता भी करुणानिधि की विरासत पर टिकी है, और आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी भी अपने पिता वाईएसआर रेड्डी के नाम पर पार्टी और सरकार चला रहे हैं। कश्मीर में दो परिवारवादी पार्टियां हैं, दोनों मोदी से लड़ती हैं। शेख अब्दुल्ला परिवार के फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला कश्मीर में धारा 370 को फिर से बहाल करने की मांग करते हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती धारा 370 के साथ साथ स्पेशल स्टेटस की भी डिमांड करती हैं। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सभी परिवारवादी पार्टियां नरेंद्र मोदी से लड़ती हैं। वो संविधान की आड़ लेती हैं, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ परिवार का भला करती हैं। संविधान की भावना को भी चोट पहुंची है। संविधान के एक एक धारा को भी चोट पहुंची है। जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो देते हैं, जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हो वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल हॉल में खरी खरी बात की तो परिवारवादी पार्टियों के खेमे में सन्नाटा फैल गया। मोदी इस टॉपिक पर सिर्फ 5 मिनट बोले, उतने में ही सबकी बोलती बंद कर दी। बिहार में पिछले दिनों जहरीली शराब से लगातार हुई मौतों के बाद नीतीश कुमार की पुलिस अब एक्शन में है। शराबबंदी के बाद अब पुलिस के सामने ड्रग्स के खिलाफ लड़ने की चुनौती। बिहार में शराब पर बैन के बाद ड्रग्स के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में बिहार पुलिस को आज नशे के खिलाफ कसम दिलाई गई। पटना में बिहार पुलिस मुख्यालय में सैकड़ों पुलिस वालों को DGP संजीव कुमार सिंघल ने कसम दिलाई। आज के दिन 2016 में नीतीश कुमार ने शराबबंदी का ऐलान किया। हम लोग पूरी ताकत लगाकर शराबबंदी को हर हालत में इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन शराबबंदी के साथ साथ कुछ ये भी प्रवृत्ति देखी जा रही है कि लोग ड्रग्स की तरफ उन्मुख हो रहे हैं। इसलिए समेकित तौर पर शराबबंदी के साथ साथ नशा की जो उन्मुक्ति है उसके लिए भी अनुपालन के लिए हम सभी पुलिसकर्मी पदाधिकारी कटिबद्ध हैं। यूपी के चुनाव में आजकल जिन्ना पर बहुत बात हो रही है। सोशल मीडिया पर टुकड़े टुकड़े गैंग, इन 3 शब्दों की बहुत चर्चा हो रही है। यूपी चुनाव से पहले करीब करीब हर भाषण में हिंदू और मुसलमान का भी जिक्र होता है। RSS के चीफ मोहन भागवत ने यूपी में ही एक ऐसा भाषण दिया और इस भाषण में उन्होंने हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान और सबसे अहम अखंड भारत पर बहुत कुछ खुलकर कहा। क्या है अखंड भारत पर मोहन भागवत की सोच, देखिए। ये आकांक्षा रखना कि हंसके लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, तो आपको क्या लगता है? पता नहीं, मैं सारे देश में घूमता हूं, मैं आपको बताता हूं, ये 2021 है, 1947 नहीं। ये चेतावनी मोहन भागवत की है। ये चुनौती है उन लोगों के लिए जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बातें करते हैं। भागवत ने समझाया भी, सावधान भी किया और साफ साफ कहा कि अब देश के टुकड़े कभी नहीं होने देंगे, बल्कि टुकड़े उनके होंगे जो देश को तोड़ने की कोशिश करेंगे। भारत का विभाजन एक बार संभव हुआ, एक बहुत बड़ी ठोकर हमारे समाज ने खाई, लहू लुहान हो गया, पीड़ा से तुलबुला उठा, लेकिन वो अब इस बात को भूलेगा नहीं और इसलिए भारत का और विभाजन संभव नहीं। कोई करने के लिए प्रयास करेगा तो उसके टुकड़े होंगे। भारत का बंटवारा, यूपी के चुनाव में हर दूसरे तीसरे दिन कभी जिन्ना की बात होती है तो कभी बंटवारे की बात होती है। ओवैसी बंटवारे पर अपनी अलग कहानी सुनाते हैं
और अखिलेश जिन्ना पर अपनी अलग लाइन लेते हैं, लेकिन मोहन भागवत जब उत्तर प्रदेश में थे तो उन्होंने ओवैसी को भी इतिहास का सच दिखाया, हिंदुओं से कुछ कटु सत्य कहे और मुसलमानों से भी दो टूक बातें कही। एक पक्ष अपने आप को मुसलमान कहता था और बाकी लोगों को हिंदू कहता था। क्या हुआ? पाकिस्तान हुआ, सब मुसलमान तो गए, जो यहां रहे वो क्यों रहे? और एक बार हो गया ना, जिनको अलगाव चाहिए था वो उधर चले गए, जो यहां रहे उनको अलगाव नहीं चाहिए था इसलिए यहां रहे। फिर भी ये बात क्यों होती है? दंग क्यों होते हैं? आपस में रंजिश क्यों होती है? तो मुझे लगता है कि जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं उन्होंने इसका विचार करना चाहिए। भारत उस समय उनकी क्या गलती हुई? क्योंकि वो भारत में है, उनके पूर्वज भारत में रहे, भारत में रहना उन्होंने पसंद किया, पाकिस्तान को नकार दिया, ऐसा दिखता तो है। अगर ये वास्तविकता है तो क्या उस समय गलती हुई जो ये हो गया कि भारत के मुसलमान विभाजन के पक्ष में है? बल्कि आज बहुत लोग कहते हैं उसमें भी हम वास्तविक तो उसके सब लोग पक्ष में नहीं थे, तो जो नहीं थे वो बोले क्यों? क्या हुआ? वो पहली बात यह है कि इस बात का पोषक जो जो उनको मिला है या परंपरा से आया है या गलती से घुस गया हो उनके जहन में कि हम ही सही बाकी सब गलत और हम उनके साथ नहीं रह सकते जो हमसे अलग है, इसका पोषण करने वाली जो जो बातें हैं उनको छोड़नी पड़ेगी। दूसरा ये नहीं, पूजा की एक बात है तो पूजा तो हमारे यहां पर भी स्वतंत्र का है और अपनी पूजा में स्वयं को कट्टर रहना इसका स्वीकार तुलसीदास जी ने भी कहा था, उन्होंने मीराबाई का आदर किया, मीराबाई को प्रोत्साहन दिया। तो भक्ति की कट्टरता अपने लिए व्यक्तिगत वो तो समझ में आती है, वो होती है, होनी पड़ती है, लेकिन दूसरों के लिए भी वही आवश्यक मानना और अगर वो नहीं है वहां तो उनको अलग मानना, उनसे दूर हटना, उनको दूर रखना, बने तक उनको दबाए रखना, ये जो प्रवृत्ति है वो छोड़ देनी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।